हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना, अच्छे अच्छे रहना, ठीक है। और देखिए, मैं आ गई रसोई में और मैं ये बना रही चाय। ये चाय बन रही है मेरी यहाँ पे, अदरक की मसाले की चाय बना रही हूँ मैं। और कल रात को मैं बोल रही थी, मेरा बहुत मन कर रहा था चाय पीने का, तो गौशी जी कह रहे हैं मेरे से रात को, क्योंकि ये दिन में दोपहर में सो गए थे तो कौशल भी सोए नहीं थे, फिर रात को लेट सोए, कह रहे थे मेरे से रात को 1:30 बजे तुम्हें चाय याद आ रही है। बताओ, इनका होती ना मेरे साथ, अगर 1:30 बजे हमें चाय याद आई है तो हम 1:30 बजे चाय पी लेते। मैं थोड़ा रुके दूध थोड़ा सा, देखिये मेरी चाय बन गई है। अभी जो मैं कौशल जी से बात करती जा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हमारा ये टाइम रहता है काम करने का भी और बात करने का भी, ये नहीं है स्पेशल बैठ के हम लोग बात करेंगे, ये हम दोनों काम एक साथ करते हैं। फिर पहली बार कौशिक जी कह रहे कि ज्यादा बारिश नहीं हुई, थोड़ी हुई थी, अब पहली बार हो गई है बारिश, ज्यादा बारिश नहीं होती है यहाँ पर। मैं चाय छान रही हूँ, ये कसी अगर बीच में आ जाती है तो इसीलिए इसमें डूब जाती है चाय। अब हम लाते हैं चाय, चाय चाय चाय। इसका ढक्कन कहाँ है? देखिए चाय का ढक्कन, अब इसको हम धो देंगे कपड़े को, इससे साफ कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए चाय ले चलते हैं। ये देखिए सब्जी लेके आए हैं, करी पत्ता, धनिया, तोरई, भिंडी। भिंडी थोड़ी लाए हो? हाफ केजी भिंडी, आलू, ये टमाटर, बैंगन और देखो प्याज। ये देखिए मैं ला रही चाय, ये आप लोग भी चाय पी लीजिए। ये देखिए अदरक की और मसाले वाली चाय, गरम गरम, धुआं निकल रहा है, धुआंदार चाय है ये, है ना? कितनी बढ़िया चाय है। चलिए आप लोग चाय पी लीजिए सब। चलिए ठीक है, फिर मैं पी लेती हूँ। कोई बुराई कर रहा पहला वो जाते, किसी ने बुराई कर दिया। मैं लो जी कौशिक जी, चाय देखा मेरा चाय पीने का तरीका, देखा ना? पहला मैं सिख दिया था, पहला उसी में एकदम देख लो मेरे गया। जब हिचकी आती है तो कहते हैं कोई याद कर रहा है, और इस तरह खाना खा अटक जाता है ना बीच में, जैसे इसको मतलब कोई बुराई कर रहा है, ये बोलते हैं। मुझे मेरा एक्सपीरियंस इस चीज के बारे में पता नहीं है मुझे ज्यादा अच्छा कि भाई हाँ ये है, पर मैं बता रही हूँ, बोलते हैं इस चीज का। और ये वास्तु के छोटे 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 टिप है, और कभी चप्पल के ऊपर चप्पल मत चढ़ने देना, जैसे हम कई बार रख जाते हैं एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल चढ़ जाती है ना, तो इसका मतलब है कि आप एकदम कहीं, आपको कहीं जाना है बाहर अचानक, या आप मतलब कोई जाइए नहीं कि भाई को केला मेरा ना मिला, ये नहीं कि वो चप्पल भाई कोई भाई हम चढ़ा दें, अपने आप रख देते हैं उठा के, ऐसे नहीं, अचानक चढ़ जाए चप्पल के ऊपर चप्पल, तब भी अच्छा नहीं है। और कभी चप्पल उल्टी नहीं होनी चाहिए, जैसे उल्टी हो जाती चप्पल, उल्टी होकर पड़ी रहे, बहुत से लोग ध्यान नहीं देते चप्पलों पे, तो वो भी अच्छा नहीं मानते, बोलते लड़ाई होती है इस चीज से घर में, चप्पल के ऊपर चप्पल होना, चप्पल के ऊपर चप्पल उल्टी होना, चप्पल के ऊपर चप्पल होना तो मतलब होता है कि बाहर भाई कहीं बाहर जाना पड़ जाएगा अचानक, कहीं पे भी जाना पड़ सकता है आपको, ये होता है इन चीज का मतलब। और हमारे यहाँ साउथ में तो मैंने ये देखा है, हमारे यहाँ एकदम मेन गेट पे कोई चप्पल नहीं उतारता, कोई चप्पल हमारा उतारता है कोई चप्पल, कोई बुरा मानते हैं कि देखो कितना है मेन गेट पे इतनी सारी चप्पल लगा रखी है, और यहाँ साउथ में मैंने देखा है
चप्पल मेन गेट पे उतारेंगे, उतार दिया तो वो चलो उतार दिया कोई बात नहीं, ले जाएंगे बाद में, ले जाओ उठा के वहाँ 24 घंटे चप्पल वहीं पड़ी रहेंगी। पूरा जैसे लगता है कि चप्पलों का ढेर पूरे घर का जो है, जितनी भी जोड़ी चप्पल है उनकी, वो घर के बाहर ही है। उनको ये भी नहीं आता कोई बाहर के लोग, हम लोग भी चढ़ के आते हैं उनके दरवाजे, बहुत लोग आते हैं चढ़ना उतरना है वहां से, मतलब ये भी नहीं है कि भाई सीधे लाइन से लगाई हुई है, ढंग से लगाया हुआ चप्पल, एक उल्टी उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, मतलब ये हो सकता है कोई शुभ हो उन लोगों के लिए। मुझे ये पता है इनके यहाँ के बारे में कि भाई चप्पल घर से बाहर क्यों रखते हैं ये लोग उठा के। हमारे यहाँ तो अगर मेरे यहाँ तो अगर चप्पल एक भी उल्टी दिखाई दे गई ना, फट से कोई भी है, मैं ये नहीं कि मुझे दिख रहा है तो मैं ही जाकर उसे ठीक करूंगी, कोई भी घर का मेंबर होगा वो जाकर फट से ठीक कर देगा। एक झाड़ू का उलागना बहुत बुरा माना जाता है, उलाग देते हैं ना झाड़ू को तो वो बहुत बुरा माना जाता है। उस दिन कौशिक जी कह रहे थे उलाग गए थे गलती से हो गया था, तो मैं कौशिक जी कह रही थी इसे छू लो, तो छूते बस है, लेकिन उन्होंने जहां से पहले उलागा उस साइड जिस तरफ से आए थे उलाग के उसी साइड दोबारा उलाग के चले गए, तो कह रहे मेरे से मैंने बराबर कर दिया। मैंने कहा बराबर ना कर दिया, डबल पाप चढ़ा दिया, ये बराबर नहीं होता। इसको कहते हैं ना जब एक सिर से सिर बच जाता है भाई दो लोगों का, तो कहते कुत्ता काटेगा काला कुत्ता काटेगा, और दोबारा बजा लो तो नहीं काटेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि दोबारा बजा लोगे तो कुत्ता नहीं काटेगा, ये सब बेकार बातें। तो कौशिक जी ने वही काम करा उस दिन, उलाग गई कौशिक जी, फिर मैंने कही मैंने कि पाप चढ़ा दिया, मैंने कि हाथ माथे पर लगाओ छोके हाथ लगा के इसको झाड़ू माता पे लक्ष्मी माता पे, तो कहने लगी मेरे से मैंने दोबारा इसे करके पूरा कर दिया, ठीक कर दिया। मैं छू लो पाप लगेगा, ये भी एक झाड़ू पे कभी पैर नहीं रखना चाहिए। जैसे कई बार हम लोग ना अपना पैर वैर साफ कर लेते झाड़ू से, झाड़ू लगा रहे एकदम पैर कूड़ा लग गया हमारे तो पैर साफ कर लिया हमने, तो वो भी पाप होता है झाड़ू से, पैर कभी साफ नहीं करना चाहिए। और कई बार ना लोगों को गुस्सा आता है, लोगों का मुझे भी आता था पहले गुस्सा, कई बार जो कोई चीज हाथ में होती पट्टे मार देती बच्चों को, तो जैसे झाड़ू भी नहीं मारनी चाहिए बच्चों को सुबह सुबह, क्योंकि भाई देखो बस चाय पीने के बाद मेरा फिर चलता रहेगा काम, मेरा फिर होगा 11:30 बजे मेरा पूजा पाठ सब खत्म होगी। और दीपा का फोन आ चुका है, और अंकुर और दीपा तो बात करते रहते हैं आपस में, लगे रहते हैं दोनों, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे चलते हैं, वो मैसेज में चलते हैं दोनों के दोनों, तो मैं तो उनकी बातें पढ़ लेती मैं तो खुश हो जाऊंगा, तो ये मुझे तो ये रहना चाहिए ना। दीपा से मेरे बात होती है, अंकुर बात कम करता, हम बात करेंगे तो जवाब देता है, जब मूड होगा तब जवाब देगा, जब मूड नहीं है तो वो जवाब नहीं देता हमारी बातों का भी। तो दीपा और अंकुर के वो कई बार नेटफ्लिक्स के बारे में पता नहीं क्या क्या कौन कौन से चैनल है उनके बारे में बात करते रहेंगे, तो वो उसके वापस जब मूड रहेगा ना तो अंकुर दीपा से 1-1 घंटा वो उस पर चैट करता रहेगा, 1-1 घंटा लगा रहता, तो वो हमारा सब फैमिली ग्रुप है तो हमारा पूरा उनकी चैटिंग जो होती है वो हमारे उस पर आती है, तो मैं सारा पढ़ लूंगी, तो मैं कहूंगी कल पूरे दिन लगे रहे दोनों बहन भाई। तो मैं कह रही थी मैं चलो ये तो है, मैंने कि ये मेरे को खुशी रहती है कि भाई चलो भाई बात कर रहे ठीक ठाक है दोनों भाई, दीपा का तो पता है भाई ठीक ठाक है, अंकुर सब बढ़िया है, बस मुझे इससे ज्यादा और बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता है कि उनके मैं पीछे पड़ी रहूंगी कि भाई ये मत करिए भाई ये मत करिए भाई ये मत करिए, जो करना बड़ा बच्चे है सब समझदार है, जो अपने सही करेंगे ना, गलत तो कोई नहीं करेगा, गलत संस्कार नहीं दिए तो गलत करेगा ही नहीं वो बच्चा, तो इतना मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोशिश कर रहे थे बात जब व्हाट्सएप पे जब कोई बात होती है, और आजकल तो लड़की का तो चर्चा बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है हमारे घर में, जो हमारे रिश्ते की जो बात है बिल्कुल, मैं कहती हूँ ना ऐसा उफान सा आता है इस घर में, रिश्ते का ऐसा उफान आता है ऐसा फाइनल हो जाएगा और लास्ट में ऐसा वो खत्म हो जाता है। मेरी शिवानी भी कह रही थी अब की बात, तो कह रही थी मम्मी एक बात बताओ मेरी शादी पे ऐसी क्या कोई गलती हुई है आप लोगों से कि जो भाई मेरी शादी के बाद, अब शादी मतलब मेरी शादी के बाद तो हो जानी चाहिए थी, 2-3 2-4 साल बाद सबकी शादी हो जानी चाहिए थी, बेटी विदा होती है ना, आप बताना मुझे। फिर मैंने अपने वहां पूछा पंडित जी से, तुम्हारे पंडित जी बोल रहे थे, वो कह रही मम्मी आपने ना वो काम नहीं करा, एक तो ना जब मेरी शिवानी के फेरे पड़े थे हमें पता नहीं था, हमें कोई बताने वाला नहीं था, मेरे घर में पहली शादी थी भाई, मेरे घर में किसी ने मुझे बताया नहीं, ना पियर से ना माइक ऐसे किसी ने नहीं बताया, जब बेटी की शादी होती है तो बेटी के फेरे माँ बाप नहीं देख सकते हैं, जब फेरे पड़ते हैं ना भंवर पड़ते हैं तो माँ बाप उठ के चले जाते हैं उस टाइम पे, फेरे होने के बाद ही माँ बाप आके बैठते हैं, कुछ मानते होंगे कुछ मान्यता होगी इन चीजों के बारे में, मुझे नहीं पता था ना कौशिक जी को पता था, और हमने अपनी बेटी के शिवानी के पूरे फेरे देखे हैं, मेरी दोनों बहन और मेरे भाई सब अपने घर में जाके सो गए रात को, और मेरे ससुराल वाले मेरे पास सब फेरे बैठे हुए हैं वो तो, लेकिन ये लोग जब फेरे हो गए जब आए हैं
अब मेरे ससुराल में मैं तो अपनी नंद की भी गलती नहीं मानती इस बारे में कि मेरी नंद वैसे बहुत भूली है इस चीज के बारे में, उन्हें मतलब नहीं पता है, उनके ना बेटी भी नहीं है कि भाई मैं ये मान लू कि भाई इनकी बेटी है तो इन्हें शादी करी, इन्हें पता है भाई, और ना किसी की शादी हुई थी जब मेरी शिवानी की, उनके घर में बच्चों की भी किसी की शादी नहीं हुई जो उन्हें पता हो। तो जब बहन सुबह आई है तो मेरे से कह रही है मम्मू तुमने फिर तो नहीं देखे थे ना शिवानी के, अरे 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 तुम पहले बता रहे थे ये बात आके। दूसरी गलती फिर हमने शिवानी के फेरे देखे हैं। तीसरी गलती हमने ये करा कि जब बेटी विदा होती है जब जाएगी तो ऐसे हाथ में लेके ऐसे पीछे डाल के जाएगी तो माँ अपने अपनी झोली में लेती है, अपने पल्ले में लेती है माँ वो खील, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो धन धान्य लक्ष्मी पैसा सब है माँ, मैं यहाँ सब छोड़ के जा रही हूँ, मैं बेटी लक्ष्मी तो होती है जब वो जा रही है तो वो सारा सब चीज वापस अपनी माँ को देकर जाती है। पैसा रोक लग गया हर चीज पर मम्मी, हर चीज पर लगा लो आपका वहां से ट्रांसफर आना। चलिए फिर मिलते हैं, हम कहती हूँ ना आपसे मैं बहुत आपने बच्चों से दिल की बात करती हूँ, फिर मिलते हैं हम पूजा के टाइम पर, ठीक है? चलिए फिर। जय मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं, मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे बाबा जी महाराज, जय मेरे वैकुंठपति देवी देवताओं। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करो मेरे बाबा, क्षमा करो देवताओं, क्षमा करो, क्षमा करो मेरे देवताओं, क्षमा करो। ये देखिए मिर्ची अचार की, और अब मैंने ये आटा ले लिया है, ये मैंने 4 कप आटा ले लिया, अजवाइन डाल दी आधा चम्मच, अब इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर दूंगी, कचौरी का आटा। देखिए मोमन है ये मैं आटे मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने ये कचौरी का आटा गूंद दिया है, अब मैं थोड़ी देर से ऐसे ही रखूंगी 10 मिनट के लिए, और मेरी सब्जी बन गई है यहाँ पे। फिर मैं ये ढक दिया वो, और यहाँ रखूंगा आटा। देखिए मैं कचौरी बना रही हूँ, देखिए और बिल्कुल हल्की गैस पे सेक रही हूँ, और यहाँ पे ये सिक चुकी है, ये कचौरी सिक चुकी है, और कुछ कचौरी मैंने और बना ली है, सस्ता कचौरी है, देखिए अच्छी लग रही है ना, बढ़िया। देखिए आलू की कचौरी मैंने बना दी है आप लोगों को खाने के लिए, आप लोग सब खाना खा लीजिए, देखिए बहुत बढ़िया बनी है, खस्ता कचौरी है, आलू का झोल बनाया, आलू टमाटर सब्जी और छुकी हुई मिर्ची, बस ये दो चीज से ही देखना है आलू सब्जी, ये कचौरी कैसे लगती है आपको, बहुत अच्छी लगेंगी, ठीक है? चलिए आप लोग खा लीजिए, फिर मुझे बताइए टेस्ट कैसा लगा आपको, पहले आप लोग खा लीजिए। चलिए फिर, हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया है, लग रहा है मुझे देखने से सब बढ़िया हो, बढ़िया ही रहना, बहुत अच्छा लगता है जी जी जी। कौशल जी को तो वो है, कौशल जी तो अंतर्यामी है, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं सामने, और क्या, सब बढ़िया है, और क्या है। और देखिए आज मैं कौशल जी को लेके आ रही हूँ, और कई दिन में आए हैं आज कई दिन में आए ना, देखिए आप। हाँ, आज संडे है ना, तो सो चुका हूँ मैं दिन में, इसलिए रात को थोड़ा सा ठीक लग रहा है अभी, यही है ना, रात को ठीक लग रहा है, नहीं तो नींद आ जाती है जब ड्यूटी जाते हैं तो रात को। कई दिन से मैंने कई वीडियो अपने अकेले अकेले बनाई है, मैंने इनसे बोला भी था कौशल जी आ जाओ, तो पता नहीं क्या कर रहे थे, सो वो अपना कुछ एडिटिंग करने लग रहे थे, कुछ कुछ कर रहे थे, वो सबसे बड़ा काम है ना, मुझे तो सिखाते नहीं है ये, मैं बोली मैंने कि ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता है ना, कि जो कोई अगर कोई मन से सिखाए, दिल लगा के सिखाए जिस काम को, और वो आए ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, सिखाने ये लोग चाह नहीं रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है, सिखाने की बात ही ना है, अब हम लोग इनके सामने ही करें तो इन्हें पिकअप कर लेना चाहिए ना, पिकअप काय के कर रहे हैं बताओ, और है ये बैठे बैठे सोते रहे, क्या मैं इन्हें सोते सोते पिकअप कर लूं ये बताओ, है इन्हें पिकअप करूंगा तो मैं भी सोने लगूं, ये बताओ इन्हें सोते सोते, हम तो रोज अगर किसी को देखे कुछ करते 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 तो समझ में तो आ रही है आज दी सी चीज़, तो ये बताओ जब बैठे बैठे सोते ही रहेंगे कुछ करेंगे ना, तो क्या मैं इन्हें सोते सोते पिकअप कर लूं, मैं भी ये सोना शुरू कर दूं, अगर मैं फिर सोता रहूं तो फिर एडिट कैसे हो जावे ये बताओ ना, एडिट होती नहीं है तो लास्ट में ये कहिए मेरे से लो सुन लो एक बार, कुछ गलती हो तो बता देना मुझे, और कहिए मैं सो रहा हूँ, और उसके बाद पता क्या है, अरे शुरू वो ही है सब चीज, अबे तो मैं काटा क्या है, मतलब कुछ भी ना, वही कटने के बाद भी ऐसा लगा है, तुम ऐसे डाल दो ना, आप लोग थोड़े हंस लोगे और क्या है, जी हाँ, गड़बड़ कर देते हैं भाई, कोई गलत शब्द उसे बोल निकल जाता है, तो आप लोग थोड़े हंस लोगे और क्या है,
बाकी बाकी कौशिक जी ने ना यही कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं डेली एडिट करता हूँ। पांच पांच घंटे लगाओ आप, मैं उसमें दो बार चाय बना के भी ले आऊंगी। और फिर एक बात बताती हूँ मैं आपको, अब बता दो सुनो, जो मेरे घर है इसमें मैं सुबह काम कर लूंगी, दोपहर में भी कर लूंगी, रात तक भी काम कर लूंगी, 9:30-10 बजे तक काम कर लेती हूँ मैं। उसके बाद जैसे ही 10:30-11:30 कर लेती हूँ मैं, जैसे जब 12 बजेंगे ना, 11:30 के बाद बस शुरू होता है जो टाइम, उसमें मैं कभी अकेली बाहर नहीं जाती हूँ, अपनी किचन में भी नहीं जाती हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे इस चीज पे, मैं अपनी किचन में भी अकेली नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अकेली किचन में भी चलेगी ना तो वहीं से दिक्कत हो जाती है। अब कौशिक जी ने क्या है ना, बेफिक्र हो गए दीपा के जाने के बाद, अब इन्होंने सोचा है अब तो ये मर्द हो गई है, अब इसे कोई नहीं डरा सकता, ये किसी से नहीं डर सकती है। अब जाने तो चाय बना रही है, बर्तन साफ कर रही है रसोई में, भैया मैं यहाँ एडिट कर रहा हूँ, कर रही है, ये एडिट थोड़ी कर रही है, ये सो रहे हैं, इन्हें कोई मतलब ही ना है। मैं वहां रसोई में बर्तन, मैं सोचू तो चाय बन रही है, मैं सोचू था कौशिक जी मैं एडिट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा बर्तन साफ कर देती हूँ, और थोड़े बर्तन बर्तन लगाते तो गैस सब साफ करके आ जाती हूँ। देखो तो आकर कौशिक जी सो रहे हैं, तो वो क्या है जब मैं अकेले 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 उस घर में रसोई में रह रही हूँ अकेले अकेले, तो वो चीज मेरे को सेध जाती है बहुत जल्दी। मैं खुद बता रही, मैं कई दिन से कोशिश बोल रही थी है, लेकिन ये ना थोड़ा इग्नोर कर, बोल रहा हूँ कि तुम रात को जाओ मत करो वहाँ पे बाहर, ये इग्नोर करो, जब कोई करने वाला नहीं है काम तो मुझे तो करना पड़ेगा ना, आप ही बताइए। वो तो है, तुम्हें तो चाय तो बनानी पड़ेगी, और क्या भाई, जब मैं कुछ काम कर रहा हूँ यहाँ पे तो चाय कौन बनाएगा, मैं खाली बैठा हूँ, अगर मैं खाली बैठा हूँ जब तो जाऊंगी भाई चाय बनाने के लिए, अब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बिजी हूँ बहुत व्यस्त हूँ, तो फिर तो कौन चाय बनाएगा, तुम ही बनाओ। देखो आप देखो व्यस्त है, सोने में व्यस्त है यहाँ पे, सो नाऊ सोने में व्यस्त रहे। और जब पता कई बार पता मैं कहूंगी इनसे, अरे मैंने क्यों अपने आपको पनिशमेंट दे रहे, सो जाओ, अरे सो जाओ कोई बात है, बैठे बैठे तो ये सोचो सोचो बनेगी नहीं है, ये बताओ सो जाओ, सो गया, अगर मैं सो गया तो एडिट कौन करेगा, फिर आप लोग कैसे देखोगे उस रात को, मतलब 5-5-6-6 घंटे बैठे तो अब आप ही बताओ, मेरी कहीं गलती हो तो मैं तो ये कहती हूँ कोशिश जी ऐसा करो आप सो जाओ, है भाई ये नींद बैठे बैठे मैं बार बार कह रही सो गए उठ जाओ सो गए ना सोया, आप पता क्या करेंगे, देखो मैं एक्टिंग करके बताती हूँ इनकी, सो रहे हैं बैठे बैठे सो रहे हैं, और मैं यहाँ के चाय वाय ला के रख दिए, अब मैं देख रही हूँ मैं क्या कर रहे हैं, सो रहे फिर धीरे धीरे आंख खुलेंगे, देखो मेरी आंख देखना मेरी एक्टिंग देख लेना, ये खुल गए थोड़े से, ये पट खुल गए हैं, खुल चुके हैं ऐसे थोड़े थोड़े, देखा मेरे को आ गई है थोड़ी देर, फिर देखा चाय बन गई है, आ चुकी है चाय है, अब थोड़ी नींद मैं जगने के लिए चाय पीऊं, फिर चाय पी लेंगे, चाय पी रही सारी, उसके बाद में फिर बाद में मैं वो बर्तन रखने जाऊंगी जब वापस आऊंगी यहाँ से, ये तो फिर गए अपने उसमें, मैंने कोई फायदा नहीं है भाई, मैंने कह रहा सो जाओ, अरे क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, सो जाओ, परेशान कर, मैं तुम्हारी हेल्प ही तो करूँ, वीडियो एडिट करूं। मैं इनकी हेल्प से दुखी ना हूँ, मैं इनकी उस चीज से दुखी हूँ सोने से, ये हेल्प वेल्प कुछ ना करे, मैं सो जाओ सुबह फ्रेश उठोगे सुबह आराम से कर ली, सुबह बड़ा टाइम रहे बैंक ना जाना फिर काम करना, तो होता ही नहीं है ना, यही तो हो रहा है, तुम्हारे घर का सारा काम करना पड़ेगा, देख तो करवाएंगे सही, अभी बताओ अब इतना इसमें आप बताओ, मैं पूरा घर का काम करती हूँ, आपने मुझे देखा है ना काम करते हुए, मैं सारा दिन काम करती हूँ सारे दिन, फिर कहते इसी पापा में दो आदमी का काम है, आप क्यों लगी रहती हो, किसने कहा आप रसोई में सारा दिन काम करती रहो, अरे बेटा दो आदमी भगवान ने पेट ना लगा रखा है क्या, ये बदन ना दे रखा कपड़े नहीं पहनने हैं या सोना नहीं है, क्या बता क्या चीज ना दे रखा भगवान, सब चीज दे रखा, पेट भी दे रखा मैं रोटी खाने के लिए जिसके लिए पड़े हम, मैंने की बात तेरी गलत, और इतनी आलस मुझ में है नहीं, अच्छा वो क्या कर रही है यहाँ रह रही, वो क्या कर रही, वो कुछ भी ना कर रही, वो कुछ ना कर रही ना दीपा, और कई लोग कई आप लोगों ने कहा भी था कि मम्मी आंटी के साथ काम करवा दिया करो दीपा, आंटी सारा दिन काम करती है, आंटी सारा दिन काम करती रहती है ना, वो उसे आदत नहीं है, हम मेरे बच्चों को आदत नहीं है काम करने की, आप ये कहोगे आंटी आपने बच्चों को बिगाड़ दिया, केवल लड़के बच्चा काम नहीं करते हैं, हाँ पहले था इनको जब जबलपुर में था तब इनको एक था ये था भाई सुबह तो स्कूल चले जाते, सुबह तो मेरा मतलब ही नहीं है, ये सुबह से लोग 7 बजे जाते, 2:30 बजे लोग छुट्टी होती थी तब ये आते थे, उसके बाद में शाम को डेली का एक झाड़ू लगाती पूरे घर में और एक बर्तन साफ करती थी, जैसे दोपहर के या लोग आते खाना वाना खाते जब तो एक बर्तन करती एक झाड़ू लगाती थी, ये खाता दोनों का बहनों का काम, तो जैसे मैं कभी बीमार हो गई तो दीपा बना शिवानी बना देती थी खाना वाना, नहीं शिवानी काम करेगी हमारी, शिवा तो मेरी बेटियों में से गिनी जाती थी, शिवा काम करती थी, शिवानी को पराठे आज जो शिवानी
जो आज वो दिखाती है ना, जो कोई भाई हर तरह का खाना बना देती है हर तरह का है, वो किसे सीखा है? मुझसे। उसे बहुत इंटरेस्ट रहता था, मम्मी ये क्या बना रही हो, मम्मी ये किसमें तड़का लगाया है। एक दिन मैंने कढ़ी बनाई, मेरे घर कोई आया हुआ था, मेरे घर कोई आया था, घर में हल्दी नहीं थी, तो कढ़ी मैंने चढ़ा दी। मैंने हल्दी अभी ले आ गई है तो डाल दूंगी मैं अभी। तो इतने में कोई हमारे मकान वाले आ गए थे, ये वहां की गोरखपुर की बात थी, मकान वाले आ गए। तो फिर अब जो कोई मकान वाले आ गए, कौशिक जी भी नहीं थे, ये अपने वहां गए थे, अपने ऑफिस गए थे। अब मुझे तो किसी को तो अटेंड करना, बच्चे मेरे छोटे छोटे, तो मैं बैठ गई उनके पास। मैंने कि जब चाय पानी का होगा तो मैं बना लूंगी। तो मेरी कड़ी मैंने रख दी थी। मैंने कि दीपा से शिवानी से बोली, मैंने कि शिवानी बेटा, मैंने कि वो हल्दी रखी कड़ी में डाल दियो। मैंने कि कड़ी में हल्दी डाल दे बेटा जाके, नहीं तो फिर कड़ी बन जाएगी, फिर हल्दी तो फिर ना जाएगी ना उसके अंदर, कच्ची रह जाएगी। तो कह रही ठीक है मम्मी मैं डाल देती हूँ। मेरा भी इतना ना आ रहा कि मैं उससे कहती हूँ थोड़ी डाल दियो, जा डाल दियो। तो थी कितनी बड़ी, वो दूसरी या तीसरी पड़ी थी, 7-8 साल की तो थी। हाँ छोटी सी थी। उसने क्या करा, इतना बड़ा वो था लिफाफा हल्दी का पूरा डाल दी उसने, उसे खोल के और पूरी हल्दी कड़ी में डाल दी है। तो फिर मैंने कही शिवानी मैं हल्दी डाल दी बेटा कड़ी में, हम मैं डाल दी है। मैं कितनी डाली, बोली अब उसमें है ही नहीं कुछ भी, साई डाल दी। मैंने वाह भाई यही काम करेगी। तो फिर निकाली हमने वो एक जगह ही थी, वो जैसे डाली ना तो एक जगह गुच्छा था, वो मोटी सी गांठ सी बैठ गई थी जाके, ऊपर ऊपर थी जब तक जब उसने बताई है मुझे आके। तो मैंने फटाफट उस चमचे से पूरी वो पूरी पूरी हल्दी तो मेरी खराब होगी ना है, ये काम करे क्योंकि ना सीखा ना। फिर धीरे धीरे करके हमारी शिवानी ने सारा काम सीखा है, मम्मी कचौरी कैसे बनती है, मम्मी वो कैसे बनती है, तो आज सब कुछ आता है। और दीपा से कहोगे तो दीपा जो मेरा अटैक पड़ा था, जब दीपा ने बनाया था, दीपा दीपा के पापा थे घर में, और हमारा कोई करने वाला नहीं आया था, कोई भी नहीं था घर में करने वाला। तो कौशिक जी ने भी छुट्टी ली थी शायद 15 दिन के लिए, इन्होंने भी छुट्टी ली थी 8 दिन के लिए, पता नहीं 15 दिन के लिए थी। पर दीपा थी मेरे पास में, तो वही सुबह सुबह जैसे दवाई सुबह सुबह जब आते हॉस्पिटल वो रहती है ना, ब्रेकफास्ट कर देना और बिना नमक का, बिना प्याज, बिना तेल का खाना। मैं बता रही हूँ, मैं खाना खाती उम्र डालती उल्टी आती। फिर इन लोगों ने बहुत तपस्या करी मेरे साथ में, जो खाना मैं खाती थी ना मेरे लिए बनता था, वही खाना कौशिक जी खाते थे, वही खाना दीपा खाती थी। दीपा की हमारी ये आदत बहुत अच्छी है। अब मेरे से मिर्च नहीं खाई जाती, लेकिन ये नहीं खाते, ये खूब मिर्च खावा है, मेरे लिए वही दे, मिर्च खाए ना ज्यादा पर ए ना ये बात ना है। और क्या ना भाई कौशिक जी का तो ये बताओ, मैं आप कहोगे आंटी बात कर रही है, मैं बता दिल की बात कर रहे हैं हम। कौशिक जी की ये है, कौशिक जी बैंक में जब इनका कोई जैसे ट्रांसफर जा रहा कोई, या किसी के बच्चे का जन्मदिन है, किसी का बच्चा पैदा हुआ है, या कोई मकान किसी ने लिया है नया उसका, तो पार्टी देते रहते हैं बैंक वाले। तो वहाँ कितना, यहाँ पर साउथ में पता बहुत मसाला खाते हैं, हम लोग इतना नहीं खाते। नहीं खाता जी, साउथ में तो आप मैं बता यहाँ पर तो साउथ मैं अकेला आदमी हूँ जो वेजिटेरियन है, तो मेरे में मिर्च मिर्च रहती नहीं खाने में। ऐसे हो सकता है बताओ? नहीं है भाई, वेजिटेरियन खाने का ही बता रही हूँ, मैं कोई नॉन वेज तो खाती नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन खाती हूँ, तो मैं खुद बता रही हूँ। हम लोग जाते हैं ना वहाँ, जबकि हम खूब अच्छा मसाला खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ना आप बताओ नाक से सबसे पानी आना शुरू हो जाए, इतनी वाली मिर्च होती है यहाँ वेजिटेरियन में। बहुत सारे मसाला, मतलब बहुत तीखा मसाला होता है, जिसे कि हम लोग नहीं खा पाते, वो कौशिक जी खा लेते हैं। और घर में जब हमारे रहेगा जैसे कुछ, तो ये मेरा खाना खराब करवा देते हैं, कहते मिर्च नहीं डालना, वही डालना, और मेरा अंकुर आएगा। दीपा तो बोलती नहीं है कुछ भी, दीपा कैसा भी दे दो, बिना मिर्च का दे दो, मिर्च का दे दो, कुछ भी वो नहीं बोलती है, वो जैसा मिल गया खा लेगी। चलो जी, हमने अपने मन की बात कह दी है। कौशिक जी तो बोली नहीं, कौशिक जी बोलो कुछ तो बोलो, बोल दिया बस यही है आप तो हमारी वीडियो। चलो जी ठीक है जी, नमस्कार, आप शुभ रात्रि कौशिक। चलो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। अब ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, ये तो एंड करेंगे ना। अब मैं वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और अब मिलेंगे सुबह कल अदरक की चाय के साथ, ठीक है? अब मुझे तो अभी पिला दो कोई अदरक की चाय, अदरक की चाय पिला दो कोई। चलो फिर मिलते हैं अदरक की चाय के साथ साथ में, ठीक है, सुबह।